इंस्पेक्टर, आज तक तूने पाप से भरी इतनी लंबी जिंदगी आसानी से गुजार दी, जानते हो क्यों? आज तक किसी औरत ने तुझे बदुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं तुझे बदुआ देती हूँ कि तू और तेरे साथी कुत्ते के मौत मारे जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मेरा वीर जेल से बाहर निकलेगा तबाही मचा देगा, जिना हराम कर देगा तेरा और तेरा पाप मंडली का। कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसको पकड़ेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। कंप्लेन लिखूं? क्यों, किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर, उसको मैंने मारा है। इस काले चूहा जिसने मुझे मारा है। अरे आओ खाली भाई बैठो, चाय भाई मंगाओ। अरे आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते? इस कुत्ते को गिरफ्तार कीजिए, मेरी शिकायत क्यों नहीं लिखते? अरे कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये जो पुलिस वाला है ना साला, ये कुत्ता है, भड़वा है गुंडों का। साला बहुत बोलता है, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। तू क्यों खड़ा है, चल फुटना है। क्यों बे, इतने मार खाने के बाद भी तेरी गर्मी नहीं उतरी? इंतकाम की गर्मी है, मार खाने से और भड़कती है। भड़कती हुई आग को मैं अभी बुझा सकता हूँ। इंस्पेक्टर को बोल के तेरे को बाहर निकालूंगा और एनकाउंटर में मार डालूंगा। जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, तू बचेगा नहीं, तेरी मौत का दिन होगा वो। वीर, जब तक चिनाल रंगे हाथों पकड़े नहीं जाती, सावित्री कहलाती है। जिस दिन चिनाल पकड़ी जाती है, उसका हाल पागल कुतिया जैसा होता है। मोहल्ले के लोग पत्थर मार मार कर उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बोलता है, तेरी बोलती बंद करने के लिए अगली तारीख बहुत लंबी पड़ेगी। अपने कफन का इंतजाम कर रखना उस दिन, क्योंकि अब जो तारीख पड़ेगी वो तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। साला पागल हो गया। अरे खालिद भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वीर को तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।